subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. अभी तक ये विश्वास करना काफी मुश्किल है कि भारतीय सिनेमा की चांदनी और दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी हमारे बीच अब नहीं है। ठीक एक साल पहले श्रीदेवी ने दुबई में आखिरी सांस ली थी। एक होटल के बाथटब में डूब जाने के चलते श्रीदेवी की मृत्यु हो गई थी। आकस्मिक हुई इस दुर्घटना के बाद श्रीदेवी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब उनके पति बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए अचानक दुबई पहुंच गए थे। ये घटना रात की थी। अचानक अपने पति से मिले इस सरप्राइज से श्रीदेवी काफी खुश थी। इसके बाद दोनों ने एक के साथ करीब आधे घंटे तक बातचीत की और बोनी कपूर ने डिनर पर चलने के लिए कहा। डिनर पर जाने से पहले श्रीदेवी जब नहाने बाथरूम में गई तो काफी देर तक बाहर नहीं आई। बोनी कपूर ने घबराकर काफी आवाजें दी लेकिन जवाब न मिलने पर होटल कर्मियों को बुलाकर दरवाजा खुलवाया तो अंदर बाथटब में डूबी श्रीदेवी की लाश मिली। शुरुआती स्तर पर श्रीदेवी के हार्ट अटैक से मौत होने की खबरें आई लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि ये दुर्घटना थी जिसमें डूबकर उनकी जान चली गई। लेकिन इससे पहले सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि क्या हुआ था। 18 फरवरी 2018 श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए निकली थी। इस दिन उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया था। श्रीदेवी परिवार के साथ दुबई में अपने भांजे की शादी में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। 19 फरवरी 2018 अगले ही दिन इंटरनेट श्रीदेवी की अलग अलग बेहतरीन ड्रेसेस में सामने आई फोटोज से भर गया था। शादी की रस्मों रिवाजों में हिस्सा लेने के लिए श्रीदेवी और उनके बच्चे की ढेर सारी फोटोज मीडिया में आने लगी थी। एक हाई प्रोफाइल वेडिंग थी। 20 फरवरी 2018 शादी के लिए अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ श्रीदेवी की फोटोज वायरल होना शुरू हो गई थी। इस दिन में ग्रीन कलर के लहंगे में श्रीदेवी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। शादी में हिस्सा लेने जानवी कपूर नहीं गई थी क्योंकि वो मुंबई में अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी। 21 फरवरी 2018 एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी के पति बोनी कपूर बेटी खुशी के साथ वापस लौट आए जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। 22 फरवरी 2018 बोनी कपूर ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। इस दिन वो लखनऊ में थे। उनके साथ शोमैन सुभाष घई भी मौजूद थे। 23 फरवरी 2018 शादी के बाद इनसाइड वीडियोस और फोटोज वायरल होने शुरू हो गए थे जिनमें श्रीदेवी बेहद खुश नजर आ रही थी। 24 फरवरी 2018 ये वो दिन था जिस दिन श्रीदेवी ने दुबई में आखिरी सांस ली थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी को बोनी कपूर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने वहां पहुंचे लेकिन वहां उनकी श्रीदेवी से मुलाकात के चंद मिनटों बाद ही ये दुर्घटना घट गई थी। तो दोस्तों आप श्रीदेवी के कितने बड़े फैन थे और आप उन्हें कितना मिस करें जरूर बता नीचे कॉमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।